और पूरे भारत के डॉक्टर तथा वैज्ञानिकों ने खांसी जैसी बड़ी बीमारी को खत्म करने में बड़ी मुश्किल से सफलता पाई है। आज पूरे विश्व को भारत पर गर्व है। और वहीं दूसरी ओर जनपद मैनपुरी में ब्लॉक बीवर के ग्राम दौदापुर में एक गरीब परिवार गंदगी के कारण खांसी जैसी भीषण बीमारी की चपेट में है। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे घर के सामने राज बहादुर का प्लॉट है और उसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं से मेरे खाने पीने के अंदर गंदे कीड़े आ जाते हैं। दरवाजे के ठीक सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, रोज गंदगी वहीं पड़ती है। गंदगी के बारे में प्रधान से कई बार कहा गया मगर उनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। सेक्रेटरी साहब रोज सफाई अभियान चलाते हैं लेकिन गांव में एक पूरा परिवार गंदगी वजह से मरण शैया के कगार पर पहुंच गया है। इसी गंदगी वजह से घर के सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। बीमारी के कारण हमारे घर का सामान भी बिक गया, अब इलाज कराने के लिए भी रुपए नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम सेक्रेटरी कुछ भी नहीं करते और न ही कुछ सुनते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को क्या कहना है। मैंने संबंध पुलिस चौक में शिकायत भी की मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए दिखाते पूरी रिपोर्ट क्या है। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। क्या परेशानी है? मुझे खांसी आई है, सांस रुक गई है, चक्कर आई है। परेशानी है क्यों? गंदगी की वजह से। तो गंदगी तुम्हारे वो घूरू तुम्हारे दरवाजे पर डालो। गंदगी की वजह से जैसे अब खांसी जुकाम है तुम्हारी। जो समस्या है आपकी, क्या समस्या है? समस्या ये है घर के सामने गंदगी पड़ी है घूरो और उन्हें वही गंदगी वजह से हम लोग बीमारी फैले। अगर कोई एक आधो मरी परेशानी हो जाए या मर जाए तो हमें लोग उनको देखे। हमारे पास कोई पैसा इतना है नहीं, जो हम लोग गरीब है, हम इतना पैसा कहाँ से ला के लगा ले सही हो जाए। कितने लोग हैं घर में आपके? घर में हमारे सदस्य चार हैं। तो चारों लोग बीमार है? चार नहीं, चार में तो नहीं जाए कि मतलब हस्बैंड को थोड़ी बहुत खांसी हो और लड़का को भी खांसी होता है और उसकी भी थोड़ी बहुत नॉर्मल तबीयत कल से है और लड़की तो चलो ठीक ठाक है थोड़ी बहुत। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे है बस खांसी हंसी आती है। तो ये सामने गंदगी आपने हटवाई नहीं क्या? कहा था क्या? कहे तो कई दफा आ चुके हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जगह में है, जिस तरह जितने दिन चाहेंगे उतने दिन हम अपनी जगह में रखेंगे और जिस दिन हमारा मन होएगा उसी दिन हम हटा देंगे। ग्राम प्रधान से कभी कहा इस संबंध में आपने? ग्राम प्रधान तो ऐसे है कि वो तो ये इसी गांव में रहते हैं, देखते सब कुछ, जानते भी सब कुछ लेकिन कहते नहीं है। अच्छा, सेक्रेटरी कभी आए उनसे कभी आपने कहा है? सिक्योरिटी आए होंगे लेकिन हमारे जानकारी में है नहीं, इसलिए मैंने कभी जानती तानती हो नहीं इसलिए मैंने कभी उनसे जिक्र चलाया नहीं। अच्छा, तो ये गंदगी की वजह से आपको तबीयत खराब है? हाँ, बस यही ऐसा लगता है कि यही गंदगी की वजह से प्रॉब्लम है। बिल्कुल सामने ही मकान है आपके तो? हाँ, आस पड़ोस में सबको ही है लेकिन ये नहीं पता, क्या पता किसी किसी को दिक्कत हो रही हो, क्या पता इसी गंदगी की वजह से हो रही हो। क्या नाम आपका? हमारा नाम ज्योति है। और जिसका ये घूरा है वो किसके है? उनका नाम तो क्या नाम है? राजबहादुर। राजबहादुर, यहाँ जो गंदगी का मामला आ रहा है सामने, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं, एक परिवार बहुत ज्यादा पीड़ित भी है और बीमार भी है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये गुरु कई दिन से यहाँ पे पड़ा, मैंने कई बार उनसे कहा ये हटा लो हटा लो, वो नहीं हटा रहे, वो ये बोले मेरी जगह मैं नहीं हटाऊंगी। और इसकी मैंने 2 वर्ष पूर्व में एक चौकी पे तहरीर दी थी, उस तहरीर पे यहाँ चौकी से कुछ लोग आए थे तो उन्हें हटवा दिया था लेकिन ये फिर हटाने के बाद फिर ये वहाँ पे डालने लगे। इससे क्या बीमारियां, कौन परेशान है इससे? क्या इससे यही है, पड़ोस के लोग परेशान है, आए दिन यहाँ गंदगी से मच्छर पनपते हैं, वो मच्छर और घर में गंदगी जाती है, उसके बच्चे बीमार। विशेष कौन सा घर परेशान है? विशेष मुकेश को, मुकेश का घर बिल्कुल जस्ट घूर के पास में ही है, मतलब बहुत ज्यादा ही परेशान है। क्या परेशानी आ रही? अब परेशानियाँ तो वो ही है, बीमारी गंदगी से बीमारी प्राप्त होती है। तुम्हारा क्या नाम? छोटू। किस गांव के निवासी हो? दौदापुर।
कहीं शिकायतें और की हैं कहीं? नहीं, मैंने शिकायत चौकी में की और उनसे जिसका घूरो ये कूड़ा पड़ा हुआ उससे मैंने कहा उनको कई बार मैंने अवगत कराई घूरा हटा लो। ये मैंने ये भी बताया उन्हें कि ये सरकार की भी यही मंशा है कि घूरा और गंदगी भले ही अपनी जमीन हो लेकिन उसमें गंदगी नहीं कर सकते। मैंने कई बार उन्हें बताया लेकिन वो नहीं हटा रहे।